सी एस डी इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक सुषमा कुशवाहा ने कहा कि कम फीस में बच्चों को शहर जैसी अच्छी शिक्षा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के इटहरा बाईपास नेशनल हाईवे के पास संचालित सी एस डी इंटरनेशनल स्कूल में अखंड रामायण पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर सबकी नज़र से बातचीत के दौरान विद्यालय की प्रबंधक श्रीमती सुषमा कुशवाहा ने कहा कि गांव के विकास के लिए और कम फीस में बच्चों को शहर जैसी अच्छी शिक्षा मिले, यही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ कोई समझौता मैं नहीं कर सकती हूँ। प्रबंधक ने कहा कि मैं अपने विद्यालय में योग्य अनुभवी टीचर्स रखकर अच्छी शिक्षा बच्चों को दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास, उच्च क्वालिटी की लैब, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था और शुद्ध वातावरण व सुरक्षा व्यवस्था दिया जा रहा है। सबकी नज़र से बातचीत के दौरान सी एस टी इंटरनेशनल स्कूल की प्रबंधक सुषमा कुशवाहा ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नज़र। और आज सबकी नज़र की टीम पहुंची है इटहरा बॉर्डर के पास सी एस डी पब्लिक स्कूल, जहां पर प्रबंधक सुषमा कुशवाहा जी है। आइए आपसे बात करते हैं। विद्यालय, स्वागत है आपका सबकी नज़र में। आपने जो विद्यालय स्थापित किया है इटहरा गांव के बॉर्डर के बगल में, जैसे हाईवे के आसपास में, क्या सोच समझ करके? मैं अपने गांव के विकास के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए मैंने एक प्लान बनाया कि जो बच्चे बाहर चले जाते हैं और जो सुविधाएं उनको गांव में नहीं मिल पाती, बाहर जाते हैं, और जो हमारे कुछ ऐसे गांव और गरीब परिवार के बच्चे हैं जो ज़्यादा फीस लगते हैं अच्छे स्कूलों में, और कम फीस में ही वो हमारे विद्यालय में पढ़ सके और अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन हम अपने इस विद्यालय के माध्यम से उन्हें दे सकें, ये मेरा उद्देश्य है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है गाँव के लोगों में, जहाँ एक अफवाह हो जाती है कि CBSE बोर्ड से विद्यालय खुले हुए हैं, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि उनकी फीस बहुत ही हाई लेवल की होती है, तो उसके बारे में क्या कहना? अब उसके बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही फीस जो है बहुत ही कम फीस में मैंने ये सुविधा सारी दी हुई है। और आप देखेंगे कि मैं बहुत सारे स्कूलों में गई हूँ, बहुत अच्छे हाई लेवल के स्कूलों में गई हूँ, लेकिन वहाँ से भी किसी भी फैसिलिटी में या टीचर्स के एजुकेशन की क्वालिटी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो क्या क्या सुविधाएँ स्कूल में आपके? हमारे स्कूल में आपको शुद्ध वाटर और पूरी जो इन्वायरमेंट है हमारा शुद्ध वातावरण का, वो आपको बच्चों को पूरी मिलेगी, और पूरी सेफ्टी के लिए तो सेफ्टी पर्पज़ से भी पूरी व्यवस्था हमारे पास की गई है, और वाहन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और सेफ्टी के साथ उनको हमको ले आना है और सेफ्टी के साथ उनको छोड़ना है। लैब की अगर हम बात करते हैं, लैब की व्यवस्था तो हमारे पास बहुत ही उत्तम है, और मुझे मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ पूरे जौनपुर जनपद में हमारे लैब जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लैब हो, चाहे मैथ हो, चाहे EBS लैब हो और स्मार्ट क्लास हो, वो व्यवस्था हमारे पूरे जौनपुर जनपद में नहीं है, जो मैंने यहाँ दे दिया इटहरा मुगराबाद शाहपुर में। दर्शक देख रहे हैं, कुछ संदेश क्षेत्र के लोगों को दे दीजिए एजुकेशन को लेकर। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार विद्यालय आप जरूर आएँ और एक बार भ्रमण करें, निरीक्षण करें, देखें और विचार करें कि अगर आपको जो आप टीचर्स की जो फैकल्टी की जो हमारी टीम है और जो मैंने सुविधाएं दी हैं, और ये सुविधाएं मैंने बहुत ही कम मिनिमम फीस में रखा है, किसी भी स्तर का पेरेंट्स हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, लो लेवल का, किसी भी पोस्ट पे हो या किसी भी परिवार का हो, गरीब हो, वो उनको बेस्ट व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी, उत्तम व्यवस्था यहाँ पर मिलेगी और पूरी समानता मिलेगी। ये नहीं कि गरीब बच्चा है और बहुत हाई सोसाइटी के बच्चा आया हुआ है तो यहाँ पे कोई भेदभाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा हमारे लिए पूरा बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है और सबके लिए समान व्यवस्था है और उत्तम व्यवस्था है हमारे यहाँ। आपने देखा किस तरीके से CST पब्लिक स्कूल के मैनेजर प्रबंधक सुषमा कुशवाहा ने कहा कि हमारे यहाँ समान
एक समान बच्चों को देखा जाता है। कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अमीर का लड़का है या कोई गरीब का लड़का है, एक बराबर और कम फीस में अच्छी शिक्षा इस विद्यालय के माध्यम से दी जा रही है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं यशस पांडे मुगरावास।